once again welcome back to my channel DXP Vlogs. I hope you guys absolutely fine. So कहानी शुरू होती है back in 2017 में जब मैं मेरी फैमिली के साथ गया था महाबलेश्वर में in a road trip. जिन लोगों को नहीं मालूम महाबलेश्वर basically is a hill station located in Western Ghat in Satara district Maharashtra. ये जो vlog मैं आपसे share करने जा रहा हूँ ये vlog मैंने shoot किया था 2017 Jan में और उस vlog में भी मैंने बात नहीं कुछ किया सिर्फ मैंने shoot किया हूँ बट मैं स्टोरी टेलिंग के जरिए आपसे ये पूरी रोड ट्रिप शेयर करने वाला हूँ. बैक टू द स्टोरी. खेर महाबलेश्वर से अराउंड 130 किलोमीटर है. तकरीबन जाने आपको 2 hours लगते हैं. एक छोटा सा हिल स्टेशन है और जिनको नहीं मालूम महाबलेश्वर में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं. पुणे से बॉम्बे से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं एक्सप्लोर करने बिकॉज महाबलेश्वर एक छोटा सा हिल स्टेशन है और उधर का क्लाइमेट एक नंबर है. जब भी आप महाबलेश्वर जाएंगे आपको क्लाइमेट एक नंबर मिलेगा और उसका जो टेम्परेचर रहता है अराउंड 20-22 सेल्सियस रहता है. तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई खेड से. खेड़ से एंड वी ऑलमोस्ट क्रॉस 50 किलोमीटर एंड वी स्टॉप फॉर सम स्नैक्स. और हम जो लोकेशन पे रुके थे वो बहुत अच्छी एक लेक थी और हमने उधर वड़ा पाव और भजिया पाव खाया. हलीम भाई जो है वो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे पाव भजी. हलीम भाई काय खाता हो? हां काय खाता हो? काय पाव पाव भजा भजी पाव भजी पाव. भाभी वेयर वी रीच? कोल्हापुर. वे कोल्हापुर कोल्हापुर के भजी पाव. और गाइस जब घाट स्टार्ट हुए इतने अच्छे अच्छे माउंटेन्स दिखे हमको बस उनको देखने का ही मन कर रहा था. और इतने हाइट पे थे हम. वैसे महाबलेश्वर अबव सी लेवल से अराउंड 4700 फीट पे. सो हम बहुत ऊपर थे और ऊपर से जो सीन दिख रहे थे ना जो नजारे दिख रहे थे एक नंबर थे. खेड़ से हम निकले थे अराउंड 9 o'clock को और तकरीबन 12 o'clock तक हम महाबलेश्वर पहुंच चुके थे. जब हम पहुंच गए थे महाबलेश्वर किसी न किसी को भूख लगी थी तो किसी ने कॉर्न खाया किसी ने गोला खाया किसी ने नींबू जूस पिया. मैं काय खाता हूँ? सब टेस्टी ना. मक्को खाता हूँ. मिनी मैना कहीं माहिती नहीं तू काय बोलता. हम ही मिनी बोलता. मिली कौन? हम ही मक्को बोलता हूँ. Look at the beautiful mountain guys. It's so beautiful. और महाबलेश्वर में पहली बार नहीं जा रहा हूँ. बहुत बार गया हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ बट ये जो ट्रिप था वो मेरी फैमिली के साथ था.
इस क्लिप में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो क्लिप एक बूढ़ी औरत की है। बेसिकली वो उधर बैठी थी और जो माउंटेन से स्प्रिंग वाटर आ रहा था वो ग्लास में सबको दे रही थी। सो उसको कोई 5 रुपए, 10 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए दे रहा था। सो उसका काम वही है डेली का। सो मैंने उनसे बात किया कि पानी कैसे आता है नॉल। सो उन्होंने मेरे को स्टोरी बताया, उनका काम यही है, वो डेली आके उधर बैठती है और लोगों को पानी पिलाते हैं। सो कोई ना कोई उसको पैसे देता है। एंड उसके बाद फिर आजी तंबाकू भी मर रही थी तो मैंने बोला आजी इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, डोंट ईट, देन शी इज जस्ट लाफिंग। सो ये छोटा सा क्लिप था मेरे पास, सो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आई होप यू एंजॉय। आगे घुटने तो पानी पिता था सब सगली इकड़े बघा जरा काकी तुमचं नाव काय बनुबाई कुठली तुम्ही इकलीस रोज इथं असता तुम्ही काय खाता बेस नाही तंबाखू कवा तरी खायची बाबा तुम्ही जेवता कुठे इथेच जेवता किती रुपये घेता मी द्यायचं मनाने द्यायचं तुमच्या इच्छेने सोयी इच्छे सोयी इच्छे ना घेतली का पाणी काय नुकसान जो नेक्स्ट क्लिप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो क्लिप में बेसिकली मैं एक गोला खा रहा था, खाते खाते मेरा गोला नीचे गिर गया, देन बंदर आया और वो गोला उठा के भाग गया। काय रे काय खातस शेयर करने वाला हूं वो क्लिप में बेसिकली अगर आपने रब ने बना दी जोड़ी देखे होंगे मूवी शाहरुख खान और अनुष्का की और उसमें जो गाना है तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं वो सॉन्ग उधर शूट हुआ है। सो आप वो सीन देखो, मैं इधर ही बैठा हूं वेट कर रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। Up above, all the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Pain, you made me. घूमते हम सबको भूख लगी तो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, लंच ब्रेक। एंड जो हम ये रेस्टोरेंट में गए, इस रेस्टोरेंट का नाम है बगीचा द कॉर्नर रेस्टोरेंट और बहुत ही फेमस है ये महाबलेश्वर में। जब हम अंदर गए तब ओनर ने हमको बताया कि इधर हर सेलिब्रिटी आके इधर गया है।